हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसकेट अग्रवाल, और आज अपन डिस्कस करेंगे जीनिया एंड मेटा जीनिया, क्योंकि दोनों टर्म एक ऐसे टर्म है, जीनिया और मेटा जीनिया जो हैं वो बोटनी, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में ख़ास तौर से कन्फ्यूज़ करने वाले टर्म हैं। और एग्रीकल्चर और बोटनी की किसी भी एग्ज़ाम में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो तो कन्फर्म कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल जीनिया का है या मेटा जीनिया का है, या फिर किस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिलता है जीनिया और मेटाजीनिया के अंदर। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं जीनिया एंड मेटाजीनिया में डिफरेंस। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो जीनिया और मेटाजीनिया जो टर्म है वो किस लिए यूज़ में आते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले जो जीनिया और मेटाजीनिया है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि जो फर्टिलाइजेशन है उसमें किस किस प्रकार से देखने को मिलता है या कौन से स्ट्रक्चर्स होती है जो यूज में आती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक फ्लावर से कि फ्लावर में किस प्रकार की ये इफेक्ट देखने। ये जो इफेक्ट है वो काफ़ी ईजी है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले बेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो फ्लावर है इस प्रकार से, और इसके अपन बात करें इस प्रकार से, ये एक फ्लोर की स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो पार्ट है वो क्या है, स्टाइल है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं स्टिग्मा, और ये जो पार्ट है लोअर वाला पार्ट है इसको अपन कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर जो पाए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, ओव्यूल, और ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये फिलामेंट, और ये आ जाएगा एंथर। तो ये तो जो है वो आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो, जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एंथर में प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, ये है पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, क्योंकि सपोज ये जो प्लांट है, ये प्लांट कैसा है, 2n इक्वल टू 10 क्रोमोसोम। तो जो ये पार्ट होगा पोलन ग्रेन, ये कैसा होगा, 5 होगा, क्योंकि क्रोमोसोम जस्ट कैसे होंगे, हाफ होंगे, किसके द्वारा, जो मियोसिस डिवीजन होती है उसके कारण से जो गैमेट्स बनते हैं वो गैमेट्स कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लोइड होते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, कहाँ पे आते हैं, इस स्टिग्मा पे ऊपर आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जो छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा इनको एक्सेप्ट किया जाता है इस प्रकार से, और यहाँ ये क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पर जर्मिनेट होते हैं। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं, और पोलिनेशन के द्वारा यहाँ पर जो होता है ये स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, और यहाँ इनका क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होती है, एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। अब अपन थोड़ा सा इसको देखें एक बार, जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अपन देख लें कि पोलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, कैसी होती है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। इसमें अपन देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें दो प्रकार की जो सेल्स है वो देखने को मिलती है इस प्रकार से, एक सेल जो होती है वो वेजिटेटिव सेल्स होती है,
जिसे अपन पोलन ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड जो सेल है वो कौन सी है? जनरेटिव सेल होती है। तो ये जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल्स होती है। तो दो न्यूक्लियस वाली सेल होती है, दो सेल होती है, और साइज में जो वेजिटेटिव होती है वो साइज में लार्ज होती है, और जनरेटिव सेल्स होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। जो वेजिटेटिव सेल्स है इन सेल से क्या निकलता है? अपन कहें पोलन ट्यूब निकलती है, और पोलन ट्यूब जो निकलती है इसी के पीछे पीछे जो जनरेटिव सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये भी क्या जाता है? इसके अंदर आता है और ये आगे की चलता है, और ये इस प्रकार से ये जितनी भी जो प्रोसेस है पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन है ये कहाँ पे होती है? स्टिग्मा के ऊपर होता है। यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये कंडीशन रही होगी, और यहाँ से क्या जर्मिनेट हुआ है? पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ है। यहाँ पर दो न्यूक्लियस होंगे, एक न्यूक्लियस होगा ये न्यूक्लियस जो कौन सा है? जनरेटिव सेल से जनरेटिव न्यूक्लियस है। इस जनरेटिव न्यूक्लियस में माइटोसिस क्या होता है? डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन होने के कारण से यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो अब पोलन ट्यूब में आने के ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? स्टाइल के अंदर जो मेल गेमिट है वो कितने मेल गेमिट बन चुके हैं? दो मेल गेमिट बन चुके हैं, मेल गेमिट। कितने मेल गेमिट बन चुके हैं? दो मेल गेमिट होते हैं। किसके अंदर? पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं। पोलन ट्यूब में ये कंडीशन अपन देखें कि पीछे की तरफ से ब्लॉकेज बनते जाते हैं, ये कंडीशन, तो इसे कैलोज ब्लॉकेज के नाम से जानते हैं। मतलब कैलोज का डिपोजिशन होने लगता है, जिसे अपन प्लग कहते हैं, या कैलोज का प्लग बनता जाता है कि पीछे की तरफ ये न्यूक्लियस ना चला जाए। तो यहाँ से अपन बात करें कि ये जो है वो कहाँ पहुँचता है? ओव्यूल के अंदर पहुँचता है, और ओव्यूल में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तो एक बेसिक मैंने जो चीज़ें हैं वो आपको बताई हैं, किससे रिलेटेड? एंथर से रिलेटेड। अब अपन बात करेंगे जो ओवरी है, ओवरी या ओव्यूल की जो डिस्कस है वो अपन देखते हैं कि ओव्यूल में कौन सी प्रोसेस होती है। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कितने गैमेट्स होते हैं, तो दो गैमेट बनते हैं, दोनों मेल गैमेट होते हैं। कहाँ पे बनते हैं? पोलन ट्यूब में बनते हैं। किससे बनते हैं? जनरेटिव सेल्स से बनते हैं। और कहाँ पे बनते हैं? स्टाइल के आसपास में ये बनते हैं। इसको बैग जाने से रोकने के लिए इसमें कैलोज का क्या पाया जाता है? प्लग या डिपोजिशन देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अपन बात करते हैं ओव्यूल की। जैसे ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो सेल है जिसे अपन मेगा स्पोर कहते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं मेगा स्पोरोफाइट। और मेगा स्पोरोफाइट जो है, या फीमेल स्पोरोफाइट कह सकते हैं अपन, या मेगा स्पोरोफाइट कह सकते हैं, इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। पहले एक सेल होती है जिसमें डिवीजन होता है, मतलब ये होता कैसा है? हैप्लोइड होता है। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है जिससे दो न्यूक्लियस बनते हैं, जिसमें डिवीजन होता है चार न्यूक्लियस बनते हैं, फिर वापस माइटोसिस डिवीजन होता है तो इससे आठ न्यूक्लियस बनते हैं। तो चार माइटोसिस डिवीजन हुई जिसके कारण से किसमें कितने बन गए न्यूक्लियस? इसमें आठ न्यूक्लियस बनते हैं। पहले सिंगल न्यूक्लियस वन माइटोसिस, तो इसमें कितने बने? दो न्यूक्लियस बने। सेकंड माइटोसिस चार न्यूक्लियस बने, और ये थर्ड माइटोसिस जिसके अंदर से आठ बन गए। इसका मतलब माइटोसिस कितना हुआ?
तीन डिवीजन, तीन माइटोसिस डिवीजन होने के कारण से कंप्लीट आठ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये आठ न्यूक्लियस है वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो ये तीन तो है वो यहां जाएंगे इस प्रकार से। अब जो है यहां पर कुछ तीन सेल यहां पाई जाती है, तो ये तीन यहां चले जाएंगे। अब कितने बचे, दो न्यूक्लियस बचते हैं। ये दो न्यूक्लियस जो हैं यहां पर इस प्रकार से अरेंज होते हैं सेंटर के अंदर। इसे अपन पोलार न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं। पोलार न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं। अब जो कंडीशन है, जैसे अपन देखें कि ये जो थ्री सेल्स है इसे अपन एंटी पोडल सेल्स के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन है, ये जो सेंटर वाली सेल है इसे अपन क्या कहते हैं, ये एग होता है। और इसके अलावा जो दोनों जो सेल है इसी पर सिनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं। और सभी सेल्स होती है वो कैसी होती है, हैप्लोइड होती है। इसलिए अब जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर मेगा स्पोरोफाइट की बजाय यहाँ पर अपन कहेंगे एम्ब्रियो सेक। इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं एम्ब्रियो सेक, जिसे एम्ब्रियो सेक को ही अपन क्या कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो एम्ब्रियो सेक को अपन ये भी कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, या फिर एम्ब्रियो सेक का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं अपन, तो फीमेल गेमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट होता है। अब जो कंडीशन है कि जो ये जर्मिनेट हुआ है, दो मेल गेमिट आए हैं, ये दो मेल गेमिट है, जैसे अपन डायग्राम से देखें यहाँ पर पोलन ट्यूब यहाँ से आती है, और ये जो मेल गेमिट है ये इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और ये मेल गेमिट यहाँ पर क्या होता है, इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, या एंजाइम के द्वारा यहाँ इस वॉल को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। और यहाँ जो है ये कंडीशन ऐसी आती है कि ये सेल जो है वो नष्ट हो जाती है, और यहाँ से जो न्यूक्लियस निकलते हैं, एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस ये, मेल गेमिट दोनों निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियस है, एक तो इसके साथ अटैच होता है, किसके साथ में, एग के साथ में। तो एक मेल गेमिट ये मेल गेमिट जो है वो इसके साथ फ्यूज होता है, और यहां पर क्या बनता है, जाइगोट, जो कैसी स्ट्रक्चर होती है, 2N बन गई। दूसरा जो मेल गेमिट है यहां पर, ये कंडीशन, दूसरा मेल गेमिट ये है, पहले इनसे पहले ये जो पोलार न्यूक्लियाई है इनमें क्या होगा, फ्यूजन, इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसके कारण से फ्यूजन होने के बाद ये जो पोलार न्यूक्लियाई कैसे हो गए, 2N हो गया। अब जो मेल गेमिट है ये इसके साथ जाकर क्या होगा, फ्यूज होगा इस प्रकार से, और ये एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी जिसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है। और कैसी होती है ये, तो इसकी बात करें अपन तो ये ट्रिप्लोइड होती है, 3N वाली होती है, ट्रिप्लोइड सेल होती है। तो जाइगोट जो है, एक तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ और एक यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ। तो अपन एंजियोस्पर्म में अपन कहते भी हैं कि फर्टिलाइजेशन होता है वो दो बार होता है, एक एग के साथ और एक पोलार न्यूक्लियाई के साथ, क्योंकि मेल गेमिट कितने होते हैं, मेल गेमिट दो होते हैं। तो यदि दो मेल गेमिट का फ्यूजन होता है तो उसे अपन जो कंडीशन है इसे अपन क्या कहते हैं,
डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो कंडीशन है उसे अपन क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरी कंडीशन अपन देखें कि जो फ्यूजन हुआ है, फ्यूजन कितनी बार हुआ है, एक फ्यूजन ये हुआ है और दो फ्यूजन यहाँ हुआ है, क्योंकि एक तो इनके बीच में हुआ है पोलार न्यूक्लाई के बीच में और दूसरा मेल गैमेट के बीच में, तो ये हुआ है दो फ्यूजन और एक ये फ्यूजन, तो यहाँ पर फ्यूजन कितने होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो फ्यूजन कितना हुआ, ट्रिपल फ्यूजन, और डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये जो करेक्टर है वो किसका है, एंजियोस्पर्म का एक विशेष करेक्टर है। अपना जो मेन मुद्दा जो है वो अपना मेन मुद्दा क्या है, जीनिया और मेटाजीनिया। अगर आपको इस प्रकार की जो कंसेप्ट है अगर ये समझ में आते हैं या फिर आप समझ चुके हो बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं, तो आप कन्फर्म मान लो कि आपको जीनिया और मेटाजीनिया समझना आराम से, कोई समझने में दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अब जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो है ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म बन गया और यहां पर जाइगोट बन गया। तो यहां पर जो हाइब्रिड कंडीशन है, हाइब्रिड कंडीशन दो जगह देखने को मिलती है, एक तो जाइगोट में हाइब्रिड कंडीशन है, क्यों है, क्योंकि इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में क्या हुआ है, मिक्स हुआ है। दूसरा हाइब्रिड ये है एंडोस्पर्म, इसके अंदर भी क्या हुआ है कि जो मेल गैमेट है वो पोलार न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज हुआ है और जो पूरा जो सिस्टम है वो वैसा का वैसा बना रहता है, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, लेकिन दो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यदि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ से आया है, मेल प्लांट से आया है, मेल गैमेट, इसमें कुछ जीन्स होते हैं, ये जीन जो होते हैं वो फीमेल जो है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक कैसा है, फीमेल गैमेटोफाइट है, तो फीमेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेटोफाइट के जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें कि यदि पोलन ग्रेन के जीन के द्वारा, पोलन ग्रेन के जीन के द्वारा यदि इफेक्ट होता है ऑन किसके ऊपर, सीड एंड फ्रूट, सीड एंड फ्रूट के ऊपर यदि इफेक्ट होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। तो ये टर्म कैसा आ जाएगा, जीनिया आ जाएगा। जीनिया, जीनिया में किस क्या कह सकते हैं अपन, पोलन ग्रेन या मेल गैमेट के द्वारा यदि फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यदि उसके सीड और फ्रूट में किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को मिलता है, चेंजेज इन कलर, चेंजेज इन कलर दैट नोन इज जीनिया। तो देखो सबसे पहले यहां पर एक चीज लिखेंगे अपन, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में किसी प्रकार का फर्क नहीं होता है तो वो जो एम्ब्रियो, तो एक्सेप्शन रखना ही रखना है आपको। एम्ब्रियो के अलावा यदि कहीं इफेक्ट होता है, और इफेक्ट कहाँ होगा, सीधी सी बात है, पोलन ग्रेन गया है, पोलन ग्रेन एम्ब्रियो तो है वो किससे बना है, जाइगोट से, जाइगोट के अलावा मेल गैमेट किससे फ्यूज हुआ है, सीधी सी बात है, पोलर न्यूक्लिया से। मतलब अगर यहाँ इफेक्ट हुआ है, सीधी सी बात है, ओवरऑल अपन कह दिया एम्ब्रियो को अपने एक्सेप्शन में डाल दिया, बचा क्या, एंडोस्पर्म। ओवरऑल अपन कह सकते हैं इफेक्ट ऑन एंडोस्पर्म कलर,
इसे जीनिया कहते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने बता दिया एक्सेप्शन एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को छोड़कर अगर मेल गेमिट के द्वारा एंडोस्पर्म के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मेल गेमिट फर्क किसके ऊपर, फर्क किसके साथ जुड़ रहा है, मेल गेमिट केवल पोलर न्यूक्लिया के साथ जुड़ रहा है और एंडोस्पर्म के ऊपर इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा नहीं क्योंकि अपन ने एक्सेप्शन डाल दिया। एम्ब्रियो के ऊपर कभी फर्क पड़ता ही नहीं इसका, तो एम्ब्रियो के ऊपर अगर फर्क नहीं पड़े तो फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, एंडोस्पर्म के ऊपर। और एंडोस्पर्म के कलर में किसी प्रकार के चेंजेस आते हैं उसके करेक्टर में तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। तो टर्म आपको याद रखना है, जीनिया टर्म हमेशा इफेक्ट करता है एंडोस्पर्म के कलर के ऊपर। एम्ब्रियो अगर ऑप्शन में मिले आपको तो एम्ब्रियो के ऊपर ये कलर का किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, इफेक्ट इफेक्ट इन इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो सैक के अंदर की साइड अगर इफेक्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेटाजीनिया कहते हैं। और सीधी इसमें बता ही दिया आपको, एम्ब्रियो के अलावा एक ही चीज़ बचती है, एंडोस्पर्म, जिसके ऊपर ये इफेक्ट शो करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है जीनिया का, वो एग्जांपल देखने को मिलता है मेज का जो कोव है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये जो ग्रेन जो दिखाई देते हैं इनमें से कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो कंडीशन है वो किसके कारण से, एंडोस्पर्म में चेंज होने के कारण से इनके कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसे ही अपन क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। जीनिया हमेशा इफेक्ट करता है इनसाइड ऑफ एम्ब्रियो सेक, खास तौर से एंडोस्पर्म के ऊपर, एक्सेप्शन एम्ब्रियो और इसके कलर में चेंजेस होते हैं जिसके कारण से सीड और फ्रूट के कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, जीनिया कहते हैं। सेकेंड टर्म अपन बात करें मेटाजीनिया की, देखिए मेटाजीनिया भी अपने आप में एक स्पेशल टर्म है, खास तौर से जब पोलन ग्रेन मेल गेमिट किसके ऊपर जर्मिनेट होता है, स्टिग्मा के ऊपर, या अब अपन कहें इफेक्ट जब मेल गेमिट या एम्ब्रियो पोलन ग्रेन इफेक्ट आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ अगर इफेक्ट करता है, इनके जो जीन है मेल गेमिट को जो जीन है अगर वो एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ इफेक्ट करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मेटाजीनिया के नाम से जानते हैं। और मेटाजीनिया के नाम से अपन देखेंगे किसी भी एम्ब्रियो की बाहर की तरफ जो कवर होता है वो क्या होता है, इंटेग्यूमेंट होता है। क्या होता है, इंटेग्यूमेंट। इसका मतलब अपन कहें इफेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, इंटेग्यूमेंट के ऊपर होता है। और इंटेग्यूमेंट के अगर ऊपर इफेक्ट होता है तो इंटेग्यूमेंट से क्या बनता है, सीड कोट बनता है, जिसे अपन सीटा के नाम से भी जानते हैं या सेटा के नाम से भी अपन जानते हैं, या फिर अपन कहें डायरेक्टली कि सीड कोट के ऊपर, या फिर अपन कह सकते हैं इसको टेस्टा। इसका मतलब पोलन ग्रेन में उपस्थित या पोलन ग्रेन के द्वारा या मेल गेमिट के द्वारा एम्ब्रियो सेक के आउटसाइड, खासतौर से इंटेग्यूमेंट या सीड कोट या टेस्टा के ऊपर इफेक्ट किया जाता हो, उनके कलर में चेंजेस किया जाते हो,
इफेक्ट किया जाता हो, किसके द्वारा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन अफेक्ट ऑन सीड कोट और टेस्टा इज नोन एज मेटाजेनिया। मेटाजीनिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि जीनिया और मेटाजीनिया में क्या फ़र्क है। क्योंकि और इसका मेटाजीनिया का अपन एग्जांपल अपन देखें तो ये खास तौर से डेट पाम जो है, खजूर, उनके फ्रूट के अंदर खास तौर से देखने को मिलता है, उनके सीड के अंदर देखने को मिलता है। तो ये डेट पाम इसका एग्जाम्पल है मेटाजीनिया का। इसमें एंडोस्पर्म का कोई रोल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर अपन कह सकते हैं एम्ब्रियोसेक के आउटसाइड में फ़र्क पड़ता है, एम्ब्रियोसेक के आउटसाइड। और एम्ब्रियोसेक के आउटसाइड क्या होता है? इंट्यूगमेंट होता है। इंट्यूगमेंट जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड कोट या टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, सीड कोट या टेस्टा के अंदर क्या होता है? इफेक्ट देखने को मिलता है और उसे ही अपन क्या कहते हैं? मेटाजीनिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है मेन मेन टर्म जो मैंने बताया आपको, आगे अपन एक थोड़ा सा और देख लें। ये तो इसकी बेसिक जो चीज़ें मैंने बता दी आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। कई बार पूछा जाता है जीनिया कि जीनिया का जो डिस्कवरी है या फर्स्ट ट्रम की अपन बात करें तो ट्रम जो है जीनिया का वो किसने दिया था? तो ये फोक ने दिया था। फोक ने दिया था 1981 के अंदर, मतलब 1881 ट्रम दिया था फोक ने। क्या ट्रम दिया था? जीनिया ट्रम दिया था। और मेटाजीनिया की अपन बात करें मेटाजीनिया जो ट्रम है वो दिया था स्वंगल ट्वेंटी एट के अंदर। काफ़ी लेट इन्होंने दिया था मेटाजीनिया, और जीनिया टर्म दिया था फोक ने 1881 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जीनिया और जो मेटाजीनिया है वो टर्म क्लियर हुआ होगा। और किसी प्रकार के आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर आपको अवेलेबल हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।